हरे कृष्णा राधे राधे। 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, कार्तिक यानी दामोदर मास। और इस महीने की अधिष्ठ दात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। इस विशेष महीने में भगवान की थोड़ी सी भी कोई पूजा आराधना करता है, सेवा करता है, तो उसका 1000 गुना ज़्यादा होकर मिलता है, अधिक से अधिक फल मिलता है। इसीलिए इस मास को ऐसे ही जाने ना दें, इस भगवान जी की कृपा का इस महीने में लाभ जरूर उठाएं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में आप सबकी मंगल की कामना करती हूँ। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक महत्वम अध्याय सात पावन पवित्र फलकारी है। बड़े मन भाव से सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। आइए कार्तिक महात्म श्रवण करते हैं। आज अध्याय सात में आगे की कथा सुनते हैं। इतनी कथा सुनकर सूत जी से सोनक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, कहने की ये सूत जी आप कृपया करके कार्तिक तथा तुलसी जी का महात्म कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है, आप इसका महत्व कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शनों को गए, सो जब कैलाश में पहुँचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। तब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आँख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को डंडाकार झुकाकर शिव की स्तुति कहने लगे कि हे देवाधिदेव, त्रिपासुर और अकरासुर को नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी आपको नमस्कार है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा की संगम में जाकर गिरी और बालक हो रोने लगे। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोक बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दिया और कहने लगे कि यह मेरा पुत्र है, गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस जोर मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छुड़ाकर तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने हमारी आँखों में जल निकाला है, आँखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जलंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा
तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और इसका राज्य अभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। तब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजा प्रथु, देवताओं से डरकर सब दैत्य पाताल में भाग गए। वे जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर धस्मन नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि हे दैत्यपति, जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापिस कर दो। धस्मर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगे कि समुद्र सदैव हमारी शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको भयंकर रत्न लिए हैं उसे भयंकर रत्न लिए हैं इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह समाचार जालंधर से जाकर कहा। वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाकर शुंभ और निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मर कर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृत्तांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से कहा तो जालंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। जब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे, तब देवताओं को ऐसा जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचार्य गए तो दिव्य पर्वत को न देख और देवताओं का दैत्यों के द्वारा नियंत्रण संहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः यह तुमसे नहीं मरेगा। गुरु जी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं को भागने लगे और जालंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवताओं भय से मारे हुए सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादि सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुनकर उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठकर गरुण पर सवार होकर जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया कि हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की रक्षा सहायता के लिए निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और भगवान ब्रह्मा के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़ग लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने चले गए।
जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुण के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर ने दैत्य को का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गए। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा छत्र घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी पकड़ गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती पर मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करें एवं वस्तु ऐसा ही होगा। कहकर भगवान लक्ष्मी सहित जालंधर के नगर में चले गए। जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य को सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उसका पालन करने लगा, त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले कि हे राजप्रतु, इस समय भगवान के दर्शन करने और जालंधर की जय लक्ष्मी देखने के लिए हमें भी वहाँ जाना चाहिए। कार्तिक महात्म अध्याय 7 संपूर्णम। कल अध्याय 8 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है अभी नहीं, इसलिए मन से हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप महामंत्र का जाप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मिनी लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा राधे राधे।